केमरी से जिले का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के अंतर्गत गांव खेरोदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना के तहत मंदसौर जिले में आबादी क्षेत्र का सैटेलाइट ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्वे रिकॉर्ड तैयार कर स्वामित्व अधिकार दस्तावेज हितग्राहियों को दिया जाएगा। मंदसौर जिले के गांव खेरोदा में भवन स्वामित्व योजना के तहत दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर गौतम सिंह, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं दलोदा तहसीलदार संजय मालवी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी योजना के तहत सैटेलाइट ड्रोन कैमरा के माध्यम से जिले के आबादी क्षेत्रों में भवनों का सर्वे रिपोर्ट दस्तावेज तैयार कर हितग्राहियों को दिया जाएगा। मशीनों में शांति सब चला दीजिए। हाथ जोड़े प्रार्थना कर लिए, मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम सुरेश्वरी यत भूतम मैं देवा परिपूर्णम तरस्तु मे। लच्छा तो बंधवा दूं, जिसका शुभारंभ मंदसौर जिले के गांव खेरोदा से जिला कलेक्टर गौतम सिंह एवं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा शुभारंभ किया गया। इस्तेमाल होगा, तकनीक का इस्तेमाल होगा तो इसमें ना सिर्फ तेज़ी से काम होगा बल्कि एक्यूरेट वर्क जिसको बोलते हैं कि इसमें परफेक्शन जैसा होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पूरे रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होगा, यानी डिजिटल रूप में रिकॉर्ड हमेशा हमारे साथ रहेगा, गाँव वालों के साथ रहेगा, तो भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय विधायक जी ने जैसा बताया कि अभी तक ज़मीन था, ज़मीन का कागज़ नहीं था, ज़मीन का कागज़ नहीं था तो बहुत सारी की व्यवहारिक समस्याएं थी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और हम जितनी तेज़ी से सर्वे ऑफ इंडिया काम करना चाहेगा उस उतनी तेज़ी से इनको जो है व्यवस्था बना के देंगे ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और आज औपचारिक शुरुआत थी यहाँ से तो इसलिए आज बहुत विशेष दिन है, तो सभी अपने जो आबादी ज़मीन में जो लोग निवासरत हैं उनका उनका स्वामित्व का उनको कागज़ मिलेगा। तो क्या ये रिकॉर्ड अपडेट होगा या ये सरकार के पास डाटा है केवल? नहीं, एक बार आप ध्यान रखो कि बेस डाटा तैयार हो जाता है तो इसी बुनियादी आंकड़े पर, बुनियादी नक्शे पर, बुनियादी उस पर बाकी चीज़ें बनती रहती है ना। तो जैसे एक बार अगर ये मैप कैप्चर हो गया तो अब ज़मीन तो बदलती नहीं है, ज़मीन पर जो बनने वाली संरचनाएँ हैं वो चेंज होती रहती हैं, ज़मीन का ज़मीन तो वहीं की वहीं रहती है, उसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, तो एक परमानेंट रिकॉर्ड जैसा हो गया और इसके बाद जो भी डिवीज़न और डेवलपमेंट होगा इसी रिकॉर्ड पे होता रहेगा, ये जो अद्यतन होता रहेगा। यहाँ जो लेटर की बात की जा रही है देंगे तो ये किस तरह का रिकॉर्ड होगा? ये स्वामित्व योजना का कार्ड देंगे और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी उसके हाथ में रहेगा। तो जैसे आप शहर में अगर कोई ज़मीन या प्लाट धारण करते हो तो आप उस पर लोन ले लेते हो, बैंक में उसको धरोहर रख देते हो, लेकिन गाँव में स्थिति ये थी कि हमारा घर है और हमारे पास जो है मान लो अगर खेती की ज़मीन नहीं है तो हम धरोहर में क्या रखेंगे, क्या बताएंगे, कुछ ऐसा नहीं है। तो अब आदमी के हाथ में आ जाएगा, गांव में घर तो सबके पास रहता है, तो एक तरह से सब अब प्रॉपर्टी धारक हो जाएंगे। इस तरह से आप अर्थ ये लगाओ कि सब संपत्ति धारक हो जाएंगे, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आगे बढ़ना है, कहीं दस्तावेज का इस्तेमाल करना है या बेचना है, कुछ भी करना है। आबादी की ज़मीन में मकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, तो अगर आप जैसे गांव से आप कहीं दूसरी जगह कहीं अगर प्रगति उसमें जो है कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो तो आप अपना मकान बेच भी सकते हो, या दो भाइयों में डिवीज़न करना है तो आपके पास रिकॉर्ड है उसको डिवाइड भी कर सकते हो, और बैंक में धरोहर रखना है तो बैंक में चूँकि अब वो आपकी प्रॉपर्टी है तो बैंक में धरोहर रख के आप लोन भी ले सकते हो। और जो पहले चरण में काम हुआ था हरदा में, डिंडोरी में, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद भी लोगों से बातचीत किया था, जिनके स्वामित्व योजना के कार्ड बने उसमें से बहुत से लोगों ने बहुत सारे उद्योग धंधे शुरू कर लिए और उसमें मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने हितग्राहियों से बात भी की थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ अगर जैसे होता है ना अधिकार आप लोगों के हाथ में दे दो, अधिकार पत्र दे दो तो लोग अपनी उन्नति खुद कर लेते हैं। तो इसी जैसे होता है ना कि इसी सिद्धांत पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुरू हुआ है, देखिए स्वतंत्र था और स्वामित्व भी था, लेकिन कहीं भी आबादी क्षेत्रों में निवासियों का अपना प्रमाण, अपना यूँ कहें कि सर्टिफिकेट या उनका अधिकार कहीं भी दस्तावेज में नहीं था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गांव की उन आबादियों में जो वर्षों पुराने हमारे मकान थे, वर्षों पुराने हमारे बाड़े थे, वर्षों पुराने हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं वो सब कुछ हमारा था, लेकिन उसके न होने के कारण से न तो पंचायत किसी प्रकार का प्रमाण पत्र दे पाती थी, न बैंकों से लोन लिया जा सकता था, न उसका कोई क्रय विक्रय होता था, रजिस्ट्री नहीं थी, दस्तावेज ही नहीं था। तो जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में लोगों को भवन बनाने को लेकर के बैंकों से कर्जा मिल जाता है, उसका धारक के रूप में नाम होता है, उसका मालिक के रूप में नाम होता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में उसके पुश्तैनियाँ
पीढ़ियाँ बीत गई लेकिन उसका कहीं भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण से आज मुझे प्रसन्नता है कि मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में इसकी जो शुरुआत हुई है, मंदसौर जिले के मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलोदा तहसील के खेरोदा, बालोदिया, हरचंदी, नांदवेल, धंदोड़ा ऐसे गाँव में इसकी शुरुआत हो रही है जो पिछड़ा है, आदिवासी क्षेत्र है। और यहाँ से अगर एक संदेश जाएगा कि दलोदा के तहसील के 61 गांवों में से 60 गांव इसमें कवर होंगे। और भारत सरकार का एक सर्वे दल आया है जो ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इन एक एक मकान के रिकॉर्ड को दर्ज करेगा, उसका बकायदा प्रमाण पत्र मिलेगा। और न केवल डीजी बल्कि सार्वजनिक संपत्तियां भी इसमें कहीं ना कहीं मर्ज होगी, दर्ज होगी, और उनका भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के सहित अगर अभी आप गाँव में भ्रमण करेंगे। इतनी मेहनत करी इस टीम ने कि गाँव के अंदर और गांव के बाहर चूने की लाइन डाल करके प्रत्येक मकान के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींची कि ये इसका इतना एरिया है, और उसके माध्यम से जब ऊपर ड्रोन जाएगा और उसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से जब उसका फिल्मांकन होगा तो एक एक मकान की चतुर सीमा, एक एक मकान का रिकॉर्ड इसमें दर्ज हो जाएगा और उसी के आधार पर इनको प्रमाण पत्र मिलेगा।